यूपी न्यूज अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बोले योगी सरकार ने चौपट की स्वास्थ्य सेवाएं, भुखमरी की कगार पर यूपी। यूपी न्यूज एक साल बाद आज खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। चंदौली यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकराई, ड्राइवर की मौत। झारखंड से दिल्ली में लड़कियों की तस्करी करने वालों के खिलाफ एनआईए कोर्ट में चार्जशीट पेश। राजस्थान गहलोत पायलट की नजदीकियों ने बढ़ाई बीजेपी की बेचैनी, नेता प्रतिपक्ष ने फिर दिया सरकार गिराने का बयान। खबर गरम गरम, देश में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण की आज से हुई शुरुआत। महाराष्ट्र के वन मंत्री ने दिया इस्तीफा, बीजेपी ने लगाया था सुसाइड केस में शामिल होने का आरोप। कई राज्यों में हाथ से सत्ता चले जाने पर कांग्रेस की चुप्पी पर पिनाकी विजयन ने उठाया सवाल। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली, दिल्ली एम्स में लगवाया टीका। उपभोक्ता समय पर बिल जमा करे तो सस्ती बिजली देंगी यूपी सरकार, ऊर्जा मंत्री। सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों और सेंटरों में कोरोना के टीके की कीमत 250 रुपए तय की। सीएम केजरीवाल के काम से खुश होकर कृष्ण वाल्मीकि ने थामा आपका दामन। कानपुर न्यूज, ट्रकों से 20 लाख सरिया चुराने वाले तीन गिरफ्तार, हाईवे से चुराकर सस्ते में करते थे सौदा। यूपी न्यूज लाइव अपडेट, प्रियंका गांधी के बाद वाराणसी के संत रविदास मंदिर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, टेका मत्था। अयोध्या राम मंदिर, अयोध्या स्टेशन बन रहा भव्य, जायजा लेने पहुंचे महाप्रबंधक, कहा रिमॉडलिंग के तहत इन कार्यों को करना है पूरा। महाराष्ट्र, लड़की का पीछा करने पर 24 वर्षीय युवक को 22 महीने की जेल। दूध बिकेगा 100 रुपए लीटर, किसान आंदोलन के पक्ष में खाप का फरमान। लोकतंत्र धमाके के साथ नहीं मरता या धीरे धीरे मरता है, राहुल गांधी। असम में बीजेपी का उसकी सहयोगी पार्टी ने छोड़ा साथ, कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल। कोरोना टीकाकरण, एक मोबाइल नंबर से हो सकेगा 4 लोगों का पंजीकरण।